सो हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। सपने रातों रात पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको संघर्ष, त्याग और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फुटबॉल का जादूगर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में फुटबॉल को समर्पित किया, जिसने अपने पूरी फुटबॉल करियर में 930 मैचेस में 748 गोल दागे, जिसने 6 गोल्डन बॉल और 6 गोल्डन बूट को अपने अद्भुत फुटबॉल प्रतिभा के कारण हासिल किया, जिसे अर्जेंटीना ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम, फीबा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, द बेस्ट फीबा मेंस प्लेयर, यूएफए बेस्ट प्लेयर इन द यूरोप, टॉप स्कोरर अवार्ड एंड टॉप प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित कर चुके हैं द वन एंड ओनली लियोनेल मेसी। अभी तक आपने बस मेसी के सफलता के बारे में जाना, लेकिन जितना बड़ा सफलता उसके पीछे उतना ही बड़ा संघर्ष छुपा होता है हर एक की जिंदगी में। तो चलिए जानते हैं मेसी के संघर्ष और कड़ी मेहनत के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेसी का जन्म हुआ था 24 जून 1987 अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक गरीब परिवार में। मेसी का पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। मेसी का फादर का नाम जॉर्जियो मेसी, जो एक फैक्ट्री में लेबर के साथ साथ ग्रांडोली फुटबॉल क्लब में कोच का काम भी करते थे। उसका मदर का नाम सेलियो मेसी, जो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाते थे। मेसी का दो बड़े भाई मैथियोस मेसी एंड रोड्रिगो मेसी, उसके साथ साथ एक छोटी बहन मारिया सोल मेसी भी है। 4 साल के उम्र से ही मेसी ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। उसका दादी मेसी को फुटबॉल खेलने में बहुत इनकरेज करते थे, लेकिन दुखद की बात मेसी का सक्सेस वो देख ना पाए। लेकिन आज भी जब मेसी गोल करते हैं, तब मेसी आसमान में देखकर अपने हाथ उठाकर दादी का स्मरण करते हैं। 1992 में 5 साल के उम्र में मेसी ने फुटबॉल प्रति का प्रेम देखकर उसके फादर ने उसी का क्लब ग्रांडोली एफसी में एडमिशन कर दिया। 3 सालों तक वहां रहने के बाद 1995 में मेसी ने शहर के न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में दाखिला किया। छोटे होते हुए भी अपना खेल से सबको प्रभावित किया। 15-15 मिनट तक वो फुटबॉल को किसी को छीनने नहीं देते थे, लेकिन 11 साल के उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी बीमारी ने जकड़ लिया। ये बीमारी समय में इलाज नहीं हुआ तो मरीज का शरीर का विकास रुक जाता है, और इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था उस टाइम। हर रात मेसी को अपने जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो एक 11 साल का बच्चे के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। उन्हें इंजेक्शन का 7 दिन एक पैर में और दूसरा 7 दिन दूसरा पैर में लगाना पड़ता था। इस इंजेक्शन का कीमत बहुत ही ज्यादा था, लेकिन मेसी का फादर अपने सब कुछ बेचकर और बहुत सारे कर्ज लेकर मेसी का इलाज करवाया। इस इंजेक्शन का कीमत हर महीने $1500 होता था, जो एक मजदूर के लिए बहुत ही बड़ा रकम होता है। लेकिन इतना कठिन परिस्थितियों में भी मेसी ने फुटबॉल को प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा। इसीलिए संघर्ष में बस इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता दिखाने वाली मुसाफिर। मेसी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेसी एक बार एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, तब बार्सिलोना क्लब का एक मेंबर भी वहां फुटबॉल देखने के लिए आए थे। एक बच्चे को ऐसा अद्भुत खेलते हुए देखकर वो दंग रह गए एंड तुरंत जाकर सारी बातें बार्सिलोना का डायरेक्टर कार्ल्स रेक्सेक को बताया। कार्ल्स भी मेसी का स्पीड, फुर्ती और किकिंग को देखकर दंग रह गए एंड वो तुरंत मेसी के घर जाकर उसके माता पिता से मिला। लेकिन कार्ल्स को मेसी के बीमारी के बारे में पता नहीं था, बट कार्ल्स समझ चुके थे कि ये बच्चा फ्यूचर में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने वाले हैं। इस मौका को ना गुमाते हुए चार्ल्स ने एक टिश्यू पेपर में एग्रीमेंट साइन किया। उस वक्त एक पेपर भी नहीं था, जो टिश्यू पेपर आज भी मेसी के पास है। एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि मेसी का सारे खर्चा उसका टीम उठाएगा, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना के तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी और उसका परिवार खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। 13 साल के उम्र में पूरी परिवार के साथ मेसी स्पेन चला गया एंड बार्सिलोना के ला मासिया क्लब से खेलना शुरू किया। इस क्लब में भी मेसी ने अपना अद्भुत खेल ने सबका दिल जीत लिया। मेसी का फर्स्ट फुटबॉल करियर शुरू हुआ 16 नवंबर 2003, जो पोर्टस के खिलाफ खेले थे।
तब वो 16 साल के ही थे। एंड 18 साल के उम्र में 17 अगस्त 2005 में हंगेरी के खिलाफ अपना पहला डेब्यू इंटरनेशनल मैच खेला, लेकिन छोटे हाइट के वजह से उसे कम खेलने का मौका मिलते थे। मिल भी गया तब भी कोई पास नहीं मारते थे, लेकिन मेसी तो मेसी है। 2012 में पूरी एक साल में 91 गोल्स करके जर्मनी का बीट मुलर का रिकॉर्ड तोड़ के अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। उसके बाद मेसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 21 सालों तक मेसी बार्सिलोना के तरफ से खेला। बार्सिलोना को 4 टाइम्स चैंपियन लीग विनर, 10 टाइम स्पेनिश चैंपियन विनर, 7 टाइम स्पेनिश कप विनर, 8 टाइम्स स्पेनिश सुपर कप विनर, 3 टाइम्स फीबा वर्ल्ड कप विनर बनाया। एंड अपने देश अर्जेंटीना को भी 2005 में अंडर 20 वर्ल्ड कप में चैंपियन एंड हाल ही में 2021 में कोपा अमेरिकन का विनर ट्रॉफी को भी अर्जेंटीना के झोली में डाल दिया। कहते हैं हर एक मर्दों के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह मेसी को भी हर एक क्षण साथ देने वाला था एंटोलिना रजुक को। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। बाद में जाकर 30 जून 2017 के दिन दोनों ने ऑफिशियल शादी की। दोनों से 3 बेटा भी है, मैथियो मेसी रजुक को, थियागो मेसी रजुक को एंड सियो मेसी रजुक को। 2008 के बेजिंग समर ओलंपिक में मेसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के तौर पर गोल्ड मेडल हासिल किया। एंड 2016 में कोपा अमेरिकन कप में चिली के साथ हार का सामना करना पड़ा। इस बात से मेसी को बहुत दुख भी हुआ, इसीलिए बाद में मेसी ने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। बाद में फिर से वापस आए और 2018 के रशिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयारी किया। 2010 के साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के दौरान लीजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना खुद मेसी को कोच किया था और ये भी कहा था कि मेसी मुझसे भी बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और इनका तुलना दूसरों से नहीं किया जा सकता। अगर आप भी मैराडोना के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मेसी को अपना स्पीड और फुर्ती के वजह से फ्ली के नाम से भी जाना जाता है। 2020-21 के कोपा अमेरिकन कप को विजय करके अपना देश का नाम रोशन किया था। बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रोन एंड यूएफसी चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला और रिचेस्ट एथलीट भी मेसी ही है। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। एंड दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर मेसी के पास ही है, 260 मिलियन। एंड डे बाय डे ये फैन फॉलोइंग बढ़ते ही जा रहा है। एंड नंबर वन पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 337 मिलियन फॉलोअर्स। एंड आप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है और उसका बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो कमेंट में आई लव रोनाल्डो करके टाइप कीजिए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रोनाल्डो की बायोग्राफी बना के देने की। एंड मेसी का टोटल नेटवर्थ है $400 मिलियन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो लगभग 30,000 करोड़। वो इंस्टाग्राम का एक पोस्ट का 1 मिलियन और एक साल का $45 मिलियन चार्ज करते हैं। वो एडिडास, पेप्सी, ईए स्पोर्ट, तुर्कीस एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर भी है। एंड हाल ही में अपना घर बार्सिलोना को छोड़ के पेरिस का एक क्लब पीएसजी क्लब में 11 अगस्त 2021 को 2 साल के लिए पर सीजन $35 मिलियन में एग्रीमेंट साइन किया है और एक साल बढ़ा भी सकते हैं। जब वो पेरिस पहुंचे तब लाखों लोगों ने मेसी का स्वागत किया एंड वहां अपने बेस्ट फ्रेंड नेमार से भी मिला। इतना सक्सेस और रीच होने के बाद भी मेसी एक नेक दिल और दयावान व्यक्ति है। वो एक लियो मेसी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाता है जिसमें मेसी गरीब बच्चों को शिक्षा और हेल्थ से पीड़ित बच्चों को देखभाल करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, बट चॉइस इज योर्स। एंड आप भी मेसी को चाहते हैं तो आगे आने वाली मैचेस के लिए उसे दुआएं दे। एंड इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसा ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, बुक समरी एंड मोटिवेशनल स्टोरी आपसे ना छूटे। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें।
सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय।